ये चेक करो भाई, है ना अल्टीमेट। और भाई जब हम सुबह सुबह आए थे ना अर्ली मॉर्निंग एकदम, जब सूरज भी नहीं निकला था तो और भी ज्यादा यहाँ का प्यारा व्यू हो रहा था, बट अभी देख सकते हो भाई कितना प्यारा नजारा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है। भाई यहाँ से प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है यार। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, तो तुम्हारे पास आ चुका अपने इस व्लॉग में बंदी करने अगेन। तो आज है भाई संडे और आज हम करने जा रहे हैं संडे राइड, जो कि मैं भाई बहुत रेरी करता हूँ, वरना तो मैं तुम्हारा भाई ट्रैवल ही करने चले जाता है, बट मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए तो एक प्यारी सी संडे राइड करते हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं और अपनी धनों के साथ निकल चुका हूँ संडे राइड पे। तो मेरे साथ जा रहे रवि भाई और दुर्गेश भाई। रवि भाई जो है मुझे पीरागढ़ी में मिलेंगे और जो दुर्गेश है वो मुझे गुड़गांव के राजी चौक पे मिलेगा। तो हम तीनों भाई आज जा रहे हैं संडे राइड करने। तो जस्ट अभी मैं घर से निकला हूँ तो फटाफट मिलते हैं रवि भाई को, फिर वहाँ से हम दोनों भाई मिल के जाएंगे गुड़गांव, गुड़गांव से फिर जाएंगे हम अरावली हिल, जो कि मैं जा रहा हूँ 3rd टाइम, क्योंकि भाई नियरेस्ट हमारे वही है थोड़ी ठीक ठाक घूमने लायक। और भाई लॉन्ग राइड की भी जल्दी ही अपडेट आने वाली है, क्योंकि तुम्हारा भाई जल्दी इसी महीने दोबारा से एक लॉन्ग राइड करने वाला है अपने धनों के साथ। तो इसी के साथ भाई अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भाई बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आता रहता है अगर आप सबने देखी है तो। तो फटाफट भाई चलते हैं अब पीरागढ़ी अभी। ए ओ तो रवि भाई मिल गए, और क्या हाल है भाई, ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? ओ बोले शंकर भगवान की जय। तो भाई हर हर महादेव का नाम लेते और अपनी राइड की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई रवि भाई भी मिल चुके हैं। मसला ये हो गया हमारे साथ एक, कि भाई दुर्गेश फ़ोन नहीं उठा रहा, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका और नॉट रीचेबल बता रहा है। 3 नंबर से तीनों पर कॉल कर लिया मैंने, पर तीनों भाई सब, 2 तो स्विच ऑफ बता रहा है, 3 तो नॉट रीचेबल बता रहा है। अब पता नहीं भाई बंदे का फ़ोन बड़े वर, कोई बात नहीं, मैं और रवि तो जब तक चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या पता दोबारा उसको थोड़ी देर बाद फ़ोन ट्राई करेंगे, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो राइड रुकती है क्या निकलने के बाद? नहीं रुकती है। सोनी की सुपर बाइक है, ओ तेरी भाई क्या बताऊं, मतलब मेरे लिए ना सपना यार, मतलब मेरा क्या हर लड़के का सपना होता है जिसको राइडिंग पसंद है। मैं लूँगा ज़रूर एक दिन, भले मुझे भाई पूरी ज़िंदगी इसकी किस्त क्यों नहीं भरनी पड़े। जो इसका साउंड है ना भाई दिल को छूता यार। भाई रात के अंधेरे में निकले थे और हो चुका है दिन, क्योंकि बज चुके हैं अब 6:30 हो गए भाई, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे गाड़ी चलाते चलाते, और 1 घंटे हमने कवर कर लिया है 50 किलोमीटर, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि गाड़ी हमने सही खैच के लेके आए वहाँ से। और स्प्लेंडर में ना भाई एक चीज़ की बस दिक्कत है कि ना बैठे बैठे ना बस पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, मतलब कंफर्टेबल वाली बाइक नहीं है, और वैसे भी भाई स्प्लेंडर कहाँ कम्फर्टेबल बाइक में आएगी। तो सामने चेक करो भाई अरावली की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है। अब मजा आएगा ना बिड़ू। तो ऐसा नहीं है उत्तराखंड में पहाड़ है, थोड़े बहुत हरियाणा में भी पहाड़ है। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, आगे से लेना है कि आगे से लेना है, ये ओ सूरज चाचा भी एकदम मस्त लाल लाल कलर में निकलते हुए, यहाँ मजा आएगा ना गाड़ी चलाने में, एकदम पहाड़ वाली फील है ये देखो। और यहाँ भाई आप बाइकर्स चेक करना, मतलब संडे इतने सारे बाइकर्स मिलेंगे ना अभी देखते जाना, अभी तो बहुत से बंदे होंगे जो उठे नहीं होंगे, पर हम तो भाई जल्दी आ गए हैं, अभी थोड़ा जैसे टाइम बीतेगा ना बंदे यहाँ आते जाएंगे। और संडे के दिन ही यहाँ ज़्यादा क्राउड रहता है, वैसे नॉर्मली डे आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने को। और ये सूरज देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है,
मतलब सही है, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है ये। मैं मतलब एक बार आया था, 2-3 साल पहले आया था, और अब आया हूँ बहुत दिनों बाद। अब इसके ऊपर भी लेके चलूँगा, ऊपर से रास्ता है, आगे चल के रास्ता है ऊपर जाने का। वो भाई प्योर एकदम खड़ी चढ़ाई है वहाँ, तो मुझे लगता है पहले गियर पर डाल के लेके जानी पड़ेगी। एक बार तो लेके गया था, दूसरी बार भी देखते हैं जा पाती है कि नहीं जा पाती है। जल्दी आ गए पर यहाँ तो और भी बंदे आए, तो भाई गाड़ी लेके चलेंगे ऊपर एकदम टॉप पे। ये है असली ऑफ रोडिंग। असली मजा तो इसी में भाई। लॉर्ड स्प्लेंडर बस ये दूसरे गियर में इसके दम घुट रहा है, पहले गियर में तो बैंक फाड़ के चढ़ रही है, जिसे बोलते ना फाड़ के वो से चढ़ रही है। ओ भाई यहाँ से प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है यार। यार लूंगा मैं फोटो, बढ़िया बढ़िया भाई मेरे पास सब चीज़ है, पर मतलब ये फोटो बढ़िया बढ़िया नहीं खींच पाता मैं। फोन है, सब चीज़ है, A to Z है मेरा सारा टाइम, वीडियो बनाने के लिए जाता है, थोड़े फोटो शूट भी करूँगा बढ़िया बढ़िया वाली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। तो इसलिए अपने भाई को थोड़ा सा फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जी। ये भाई पहाड़ देखो यार, आज के सारे सस्पेंशन चेक हो जाएंगे। ओ तेरा बुलाओ शोगर लेकिन अगर कट कट आ गए, अब मुझे लगता है ये एंड है, इसके बाद नहीं शायद। तो भाई फाइनली जिसके लिए हम सुबह उठे थे, तो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनी पे। तो एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, है ना अल्टीमेट। और भाई जब हम सुबह सुबह आए थे ना अर्ली मॉर्निंग एकदम, जब सूरज भी नहीं निकला था, तो और भी ज़्यादा यहाँ का प्यारा व्यू हो रहा था। बट अभी देख सकते हो भाई कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, और यहाँ की जो हरियाली है ना, मतलब यहाँ मतलब और भी ज़्यादा हरियाली की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, और कैसे भाई देखो अभी भी लोग आते जा रहे हैं। नीचे रोड है, इसी रोड से जस्ट हम आए थे, और यहाँ से जो दिख रहा है ये वाला रोड, हम ऑफ रोडिंग करते करते अपनी धनों को, और जस्ट कहाँ से यहाँ से घुमाते हुए पूरा यहाँ खड़ी करी हमने। ढीट है ना, हम कहीं भी लेके चले जाते हैं। और यहाँ का भाई एक बार व्यू चेक करो भाई, बहुत ही प्यारा है। और पहले मतलब यहाँ जब मैं 2-3 बार आया हूँ, इतने लोग नहीं आते थे, बट अब संडे के दिन भाई यहाँ पे मतलब ठीक ठाक ही क्राउड, एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बन चुका है यहाँ पे। आपको हर जगह यहाँ पे अब लोग ही लोग नज़र आएंगे, कहीं भी देख लो। पहले एकदम खाली खाली से रहता था, वहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ कुछ लोग बंदे जो गाड़ी से आए वो पैदल आ रहे हैं, और कुछ हमारे तरह जो ढीठ है वो बाइक लेके आ रहे हैं। तो चलो भाइयों, इस लोकेशन को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि टाइम हो चुका है, सूर्य देवता भी अपने चरम सीमा पे एकदम गर्मी दिखाने के रूप में। तो मेरी धनो येरी और ये भाई की अफजेड बिल्कुल रेडी। ये क्या लगा रखा है? ये शू है। ओ अच्छा, इंजन में देखूं भाई साहब ठंडा हो गया। तो यहाँ भाई एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग है, अब तो उतरना ही है,
फटफट हमें नीचे जाना है, चाहते ही भाई कुछ खाएंगे क्योंकि लग रही है भूख। और तेरी मज़ा आया यहाँ भाई साहब, ग्रुप में आओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत से लोग आ रखे हैं, मेल फीमेल सब एक्स वाई जेड, सोकर बोल जाएंगे इस बार। जिमी कार घूम रही है, वो तीसरी जिमी, यहाँ तो मार्केट ही लग गई भाई पूरी, ये देख रहे हो, ओ रोड़ा हो गया राजीव चौक रैंगलर। तो भाई भूख लग रही थी तो यहाँ मैगी पॉइंट पर रुके थे, मैगी खाई चाय पी, तो भाई चाय एक नंबर की थी और मज़ा आ गया पेट भर के, पेट भर गया भाई, मज़ा आ गया। तो चले रहे भाई, भाई भी रेडी हो गए, जैकेट वगैरह सब डाल ली है एकदम प्रॉपर। तो अब यहाँ से घर ही जाना है, और भाई गर्मी यार बढ़ते जा रही है, असल सच में लग रहा है राजस्थान आ गए। भाई साहब रुक रहे हैं ना, अभी जहाँ बैठे थे भाई इतनी गंदी गर्मी लग रही थी, पर बाइक पे बैठते सारी गर्मी गायब हो जाती क्योंकि हवा लगती रहती है ना, चाहे मौसम कितनी भी गर्मी हो अगर बंदा गाड़ी पे बैठा गाड़ी चल रही तो गर्मी नहीं लगेगी, जैसे ही वो रुक गया ना 2 मिनट के लिए भी भाई साहब हालत हो जाती है ख़राब। भाई हो कैसी रही संडी राइड, आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो अगली लॉन्ग राइड है भाई 25 और 26 मई को आने वाली है, ठीक है, आज 25 मई को इलेक्शन है, अगले दिन संडे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आता रहता है। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति